जय दोस्तों, आई होप सारे शेयर बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो आज बात करने वाले हैं MG की, साइबर सर की, और साथ ही में बात करने वाले हैं BYD सील की। दोनों ही कंपनीज के बारे में बात करेंगे, इन कार्स में क्या खास है। देखो, पहले एक वक्त था कि स्पोर्ट्स कार होती थी, फॉर एग्जांपल अपनी मस्टैंग ले लो आप, ठीक है, पेट्रोल डीजल में चलती थी। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अब लोग चाह रहे हैं कि EV स्पोर्ट्स कार आ जाएं, ठीक है, अब बैटरियां चार्ज हो स्पोर्ट्स कार के अंदर और वो दबाकर भागे। सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं MG के गेम प्लान से। MG बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंडिया में। वैसे तो देखो, ये लंदन बेस्ड कंपनी हुआ करती थी, बाद में इसको जो है चाइना में कंपनी ने टेक ओवर करा। शंघाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, जिसे SAIC भी आप बोल सकते हो, इस कंपनी ने जब इसे टेक ओवर करा, इसके बाद अब इंडिया में इन्होंने टारगेट करा अपने आप को। और यहाँ पर अब इन्होंने जिंदल, जो आपकी JSW जिसे बोल सकते हो, जिंदल एंड जिंदल फॉर्मरली ये जाने जाते हैं नाम से, और इनके काफ़ी सारे अलग काम भी है, जिंदल सीमेंट, जिंदल स्टील, काफ़ी बड़ा उद्योग है इनका। यहाँ पर 35% की और स्टेकिंग इन्होंने दे दी JSW को, और अपने आप को इंडियन बना लिया। ठीक उसी तरह जिस तरह सुजुकी का मारुति से हिसाब किताब है, वैसे ही कुछ फिटिंग इन्होंने यहाँ पर JSW से बिठा ली है। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें BYD सील की, वो एक टोटली चाइनीज कंपनी है, उसने अभी तक इंडिया की किसी भी कंपनी से कोई कोलैबोरेट नहीं करा है और अपने आप को इंडियन नहीं कह सकती है। बट दोनों ही कंपनी ने रिसेंटली अपनी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार निकाली है। दोनों के बारे में बात करेंगे, पूरा कंपैरिजन कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में मगन हो जाओगे भाई, तो प्लीज लाइक कर देना दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे MG की, साइबर सर की। देखो ये कार दिखने में ना बहुत ही तगड़ी लगती है और बहुत ही प्यारी लगती है कार। और मैं अगर जनरली बताऊं, ये बिल्कुल मतलब Porsche टाइप फीलिंग आपको देगी यहाँ पे दिखने में। आपने काफी ऐसी कार्स देखी होंगी, ये फिलहाल तो कम्पीट करना भी चाह रही है Porsche 718 को, ठीक है। यहाँ पर ये MG की फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक सुपर कार है। इससे पहले इन्होंने कभी भी कोई स्पोर्ट्स कार नहीं बनाई हुई है इलेक्ट्रिक वाली। 77 किलोवाट की बैटरी यहाँ पे आपको मिलेगी, जो क्लेम कर रही है 580 किलोमीटर की रेंज आपको देगी सिंगल चार्ज में। ड्यूअल बैटरी सेटअप हो जाता है यहाँ पे, और जिसका चार्जिंग टाइम है अराउंड 1 hour to 1 hour 30 minutes बताया गया है, जो आपको नियरली 90% तक ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इस कार की पावर की बात करें तो भाई ये 544 हॉर्स पावर देगी आपको, 544, और यहाँ पर 725 Nm का टॉर्क आपको मिलने वाला है। 100 की स्पीड भाई ये 3 सेकंड के अंदर पे ही जा सकती है, सोच कर देखो आप। तो आप कंबाइन कर लो कि भाई इसके अंदर 2-3 नेक्सॉन और 2-3 ब्रेजा भी घुसा दो, तो 5 गाड़ी कॉम्पैक्ट SUV मिला लो, इतनी पावर यहाँ पे जनरेट करेगी। मात्र इसका प्राइस रखा गया है सिर्फ 53 लाख रुपए दोस्तों। अगर आपके पास 53 लाख रुपए हैं तो ये कार आप ले सकते हैं, नहीं भी है तो आप अपना घर पर बेच दीजिए, इसी में रह लीजिएगा। मेरे एक बार को मन कर गया था भाई कि मैं ऐसे ही कर लूं, पर क्या करें यार, वो भी तुम्हारे माँ बाप के नाम पे है। खैर, इस कार का जो लॉन्च है वो भी 2024 के एंड तक हो सकता है। और अगर हम बात करें इस कार के डायमेंशंस की, तो भाई ये काफ़ी लंबी कार हो जाती है। 4500 mm की लेंथ है इसकी, तो लाइक नॉर्मली जो अपनी क्रेटा वगैरह होती है 4300 mm की होती है, तो 200 mm और ज़्यादा है ये। यहाँ पर अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो 1912 mm की विड्थ है, और 1328 mm की जो इसकी हाइट हो जाती है। देखो हाइट तो कमी मिलेगी, क्योंकि जो स्पोर्ट्स कार होती हैं इस तरीके की, वो ज़मीन से ज़्यादा चिपकी हुई ही होती हैं, इसी वजह से वो एक जनरल बम्पर भी पार नहीं कर पाती, जो हमारी टाटा नैनो आराम से कर लेती थी। तो जोक्स अपार्ट, यहाँ पर अगर हम कार की व्हील बेस की बात करें, सो अराउंड 2689 mm का व्हील बेस है। सो व्हील बेस मतलब काफ़ी अच्छा लेग रूम आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जो पीछे का जो पैसेंजर बैठेगा। और यहाँ पर कुछ ऐसे र्यूमर्स भी आ रहे हैं दोस्तों, कि हो सकता है कि यहाँ पे MG क्या करने की कोशिश करे, जो इनका मेन प्लान है JSW के साथ कोलैब करने का, कि ये इसको एक ऐसी चेन बनाए कि अपनी EVs को ना बाकी कंपनीज को भी कार मैन्युफैक्चरर्स को देने की कोशिश करे। फॉर एग्जांपल एक र्यूमर ये उठ के आया था बीच में कि मारुति सुजुकी अरेना और नेक्सा को ये प्रपोज करेंगे कि भाई हमसे EV ले लो और बेच लो, जो कि मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि भाई चाइना में सब मिलता है तो इनसे लेने की क्या नीड है भाई, वहाँ से कोई ना कोई डायरेक्ट वेंडर मिल जाएगा, सो बीच का कमीशन क्यों ही देना। अब मुझे पता नहीं इस बात में कितनी रियलिटी है, मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे तो सोचा डिस्कस कर लेते हैं। अब हम आते हैं BYD की सील पे। भाई BYD की जो सील है ना, ये कार भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि इसका जो प्राइसिंग की स्टार्टिंग रखी हुई है ना, ये अराउंड 41 लाख से ही स्टार्ट हो जाती है, जबकि कंपैरेटिवली अभी MG ने ऐसा कुछ लोअर वेरियंट नहीं बताया कि भाई हम जो है आपको कोई 40 लाख के आसपास भी देंगे। हालांकि इसमें अलग अलग बैटरी पावर और रेंजेस आती है, जिसमें 41 लाख से 53 लाख तक जाएगी BYD की सील, और यहाँ पर 61 किलोवाट की बैटरी से लेके 82 किलोवाट तक की बैटरी जाएगी, ठीक है। 650 किलोमीटर की रेंज प्रॉमिस कर रहे हैं ये लोग भी, सेम एज साइबरस्टर। और देखा जाए तो भाई उनकी तो 580 थी, ये लोग 650 तक की बोल रहे हैं, एंड आई एम श्योर ये इनके टॉप वेरियंट में होगा। 40 लाख वाली में ये अराउंड इतना ही होगा, 500 550 के आसपास ही।
अगर हम बात करें इसके जो दो वेरिएंट निकल कर आ रहे BYD सील के, एक में तो भाई ये 312 हॉर्स पावर और 360 न्यूटन मीटर टॉर्क दे रहे हैं, और दूसरी में 530 हॉर्स पावर और 670 न्यूटन मीटर टॉर्क दे रहे हैं, जो 50 लाख के आसपास का बजट हो जाएगा। ये लोग भी सेम ही क्लेम कर रहे हैं, एक से डेढ़ घंटे में कार की बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। पर अगर BYD सील की डायमेंशन देखते हो ना भाई, तो 4800 mm जितनी लंबी हो जाती है, नियरली फॉर्चूनर के आसपास की साइज की हो जाएगी ये, ठीक है, अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ। और यहाँ पर 1875 mm की विड्थ मिलेगी और 1460 mm की आपको जो है इसकी हाइट मिलेगी। तो ये थोड़ी सी ऊंची है एज कम्पेयर टू साइबरस्टर, ठीक है, और ये दिखने में ना बल्कि स्पोर्ट कार लग रही है। साइबरस्टर थोड़ी जैसे हम टिपिकली स्पोर्ट्स कार देखते हैं उस तरीके में जा रही है। अब यहाँ पर भी दोस्तों इस कार की प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ 41 लाख से 53 लाख रुपए के बीच में रखी हुई है। तो वही बात है, अगर आप बिजनेसमैन है तो भाई ले लो, हमें भी घुमाना, और कभी खरीद लो तो रिव्यू करने हमारे चैनल पर आना, वरना घर पर बेच के लेना चाहो तो खेत वेत वो भी एक ऑप्शन है। मैं अगर एक पर्सनल ओपिनियन दूं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लोग अभी भी ना इस कार को लेने से ज़्यादा जो यंगस्टर है, देश का युवा है, वो प्रेफर करेगा कि भाई वो यूज्ड फोर्ड मस्टैंग ले लें, ठीक है, और उस मस्टैंग को भगाएं, क्योंकि उसका टोरा ज़्यादा है। मैं जनरली बताऊं, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इस तरीके की कार का जो प्राइस होना चाहिए ना इंडिया के अंदर, अगर आप लॉन्च कर रहे हो, 30 से 35 लाख रुपए सफिशिएंट है। और यही रीज़न है कि भाई मुझे नहीं लगता कि ये कारें बहुत ज़्यादा आपको बिकती हुई नजर आएंगी। मैं बिल्कुल ओपन ओपिनियन दे रहा हूँ यहाँ पर, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इस कार में इतना कुछ लगाया गया है मटेरियल कि जो इसका इतना प्राइस वर्थ इट कर रही है। वो बात हो रहा है कि इनको सर्टेन टैक्सेस वगैरह ये सब झंझटों में पड़ना पड़ रहा हो, पर मुझे बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लग रही यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये 50-50 लाख की कार्स, क्योंकि भाई बंदा बोलेगा कि मैं काम करता हूँ ना, मैं जाके फॉर्चूनर ले आता हूँ भाई, बड़ी कार लेके घूमूंगा। देखो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस के इशू है, पता नहीं क्या क्या इशू है, खैर ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, मेरे पास तो पैसे नहीं है तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। जिस भाई के पैसे हैं उसको इस कार में जरूर अच्छाई दिखेगी। खैर ये सब मैं एंटरटेनमेंट के लिए बोल रहा था, मेरी बातों को सीरियसली मत लेना, लास्ट वाली सारी लाइंस जोक थी, बट थोड़ा बहुत सच भी था उसमें। यहाँ पर जब इन लोगों ने कलैब करा MG और JSW ने, तो भाई ये कह रहे हैं कि हम 2025-26 तक 1 मिलियन स्पोर्ट्स कार बेच देंगे, ये वाली या EV कार बेच देंगे सारा कुछ मिला के। तो पता नहीं मैं क्या बोलूँ यहाँ पे। देखो मेरे अकॉर्डिंगली मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स कार बेचना। एक बार को अगर रतन टाटा सर के यहाँ से बात आई होती टाटा मोटर से, या चलो मारुति से भी ये बात आ गई होती, तो थोड़ा मैं डाइजेस्ट कर पाता, पर MG अगर ऐसा क्लेम कर रही है तो बहुत टफ लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी उनकी इतनी तो नॉर्मल कार्स नहीं बिक रही है इंडिया के अंदर, तो भाई इनको इतना बेच पाना EVs को थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर रहेगा। बाकी दोस्तों इन स्पोर्ट्स कार वीडियोज़ के अलावा आपको हमारे चैनल पर और भी कई वीडियो मिल जाएंगी जिसमें हम इंडियन कार्स का कंपैरिजन करते हैं, शोरूम वॉकराउंड्स करते हैं। सो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए थे तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं फिर किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।